आज शेर बनकर मैदान में उतरना होगा, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी निभाना होगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के मुफीद मशवरे, बड़े मैच पर दुनिया न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन। वजीर आजम के कौमी असम्बली में न आने पर ऑपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने धरना। खुर्शीद शाह की कयादत में अराकीन का ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई के रुकन असम्बली हामिद उल हक ने बतौर एहतजाज अपनी कमीज फाड़ दी। हिज़्ब इख़्तिलाफ़ के साथ खुले दिल से बैठने के लिए तैयार हैं। इसहाक़ डार का ऐवान में इजहार ख्याल। जमायमा से रसीदें आ गईं। इमरान खान ने बनी गाला अराजी खरीदारी के लिए वसूल रकम की ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बैंक अकाउंट्स, लेटर्स, हिदायत मंजर आम पर ना लाने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली, गैर मुल्क की फंडिंग केस की समाअत। हनीफ अब्बासी मामला इलेक्शन कमीशन भिजवाने पर रजामंद। क्या सवालात भेजने हैं तायुन हम करेंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। इमरान खान साहब, ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी आपके कानों में कोई चीज खड़कती है कि नहीं? आईन तुम्हें पता क्या है, कभी पढ़ा है? या सिर्फ वो लाल गेंद के पीछे भागते रहे और जो रसालों में तुम्हारी मशहूरी हम सुनते रहे सारी उम्र, वही आपके पास? इमरान खान पुराने पाकिस्तान का आखिरी हरबा है। आइन का पता नहीं, हमेशा लाल गेंद के पीछे भागते रहे। दानियाल अजीज बरस पड़े। खान साहब नथिया गली में छुपे हैं, अदालत में पेश हों। हनीफ अब्बासी की तनकीद। आप कहाँ छुपे हुए? नथिया गली में? नीचे आओ यार, इस कौम के साथ खड़े हो, इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आओ, अपने आप को जस्टिफाई करो कि आप चोर नहीं हो। जेआईटी को धमकियां और पिक्चर लीक्स की समाअत। जेआईटी ने तस्वीर लीक का एतराफ किया। वीडियो रिकॉर्डिंग की बतौर शवाहिद कोई अहमियत नहीं। हुसैन नवाज के वकील के दलाइल, रिकॉर्डिंग का मकसद सिर्फ शफाफियत है। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। जेआईटी के माइंडसेट पर तशवीश है। तस्वीर लीक करने वाला मुल्ज़िम कौन है? तारिक शफी, वजीर आजम से मशवरा ना करें तो क्या? इमरान खान से मशवरा लेने बनी गाला जाएं। राणा सनाउल्लाह गुस्से में आ गए। पहले वजीर आजम नवाज शरीफ, अब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का एहतसाब। एक ही खानदान को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ख्वाजा आसिफ का सवाल। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम नवाज शरीफ के असासों को दुरुस्त करा दे दिया। जायदाद, बैंक अकाउंट्स, कारोबार की जांच पड़ताल की गई। जीआईटी में वजीर आजम की पेशी। जुडिशियल एकेडमी तक 2500 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। खुफिया कैमरों और जैमर वाली गाड़ी पहुंचा दी गई। सफाई सुथराई का काम दूसरे रोज भी जारी। पेशावर हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पुलिस का लाठी चार्ज। गिरफ्तार 14 डॉक्टर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश। जमानत पर रिहाई। पीपुल्स पार्टी की एमपीए निगत और अगजई का इजहार यकजहती। अपना दुपट्टा हेलीकॉप्टर फेंक दिया। लाहौर के इलाके मजंग के करीब मोबाइल फ्रेंचाइज में डकैती। 3 डाकुओं की असलहे के जोर पर तशद्दुद। 4 लाख रुपए लूट कर फरार। वाकये की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। लंदन में 27 मंजिला इमारत को हौलनाक आग ने लपेट में ले लिया। मुतअद्दिद अफराद हलाक, कई जख्मी। कई घंटे गुजरने के बावजूद आग ना बुझाई जा सकी। मुतासरा बिल्डिंग के मुनहद्दिम होने का खदशा। बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पूरे होंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे। बुढ़ापे का दौर कैसा होगा? मुअम्मर खातून का दिलचस्प अंदाज में गाया गया गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।